मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। किसी को गुस्सा नहीं आते, चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दा पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत उन्हें छू नहीं सके। वो तो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर इनको माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया। जैसे गृहमंत्री ने बताया समय हमारे पार्टी से लिया है और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर। ये चुनाव से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को फोन फोन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए हुए हैं। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला सर। अभी सदन के अंदर मेटाफोरिकली लोन कौन दिया, लोन कौन दिया बोलिए। कोई गलत, अरे अधीर बाबू लोन कौन दिया बताइए। आपके एसीसी ऑफिसर फोन करके लोन दिलाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं। अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर। बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फॉरेस्ट की चीता हो, चांद हो ये कूनो फॉरेस्ट की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।